हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, मैं हूँ जम्मू कटरा में। माँ वैष्णो देवी मंदिर कल होके आया था, आप लोगों ने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं शिव कोड़ी मंदिर, जो कि जम्मू में स्थित है। यहाँ से कुछ कटरा से 85 किलोमीटर दूर है। इसके लिए आप पर्सनल कार से भी जा सकते हो, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उससे भी जा सकते हो, और आप लोग जा सकते हो यहाँ पर जो कार वगैरह चलती है ट्रैवल वाली, वो बुक करके भी जा सकते हो। तो हमने ये एक ऐसे ही कार बुक की है। तो हम लोग 7 लोग हैं, आप सभी को पता है। तो हम लोग भी जा रहे हैं शिव कोड़ी मंदिर, ठीक है, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम होगा उस मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि मैं इससे पहले कभी गया नहीं हूँ। तो हमने थोड़ा सोचा हम लोग जम्मू में हैं ही, तो यहाँ भी घूम लें, और फिर शाम को हमारी ट्रेन है, तो हम लोग फिर यहाँ ट्रेन से अपने घर के लिए निकल लेंगे। और भी कुछ 7-8 जगहें उन्होंने बताई हैं घूमाने के लिए, जो बीच में पड़ती होंगी। तो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आगे। अब यहाँ से होटल से निकलते हैं, जैसे कि आप लोग मेरा होटल देख चुके हो, और मिलते हैं आगे आप सभी से। हाँ, तो गाइस, हमारा होटल कुछ रोड से 100 मीटर अंदर पड़ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर शांति बहुत रहती है। देखो, यूनिफॉर्म लोग तैयार हैं, कुछ लोग ये चल रहा है। अमानी, जय माता दी, जय बाबा की, जय माता दी। चलो, हम लोग जा रहे हैं शिव कोड़ी बाबा के धाम। चलो, कार आती है, फिर निकलते आगे। तो दोस्तों, हम लोग गली से बाहर आ चुके हैं। ये है मेन रोड, जो कि मेरे पीछे जाता है जम्मू के लिए, और ये जाता है माता वैष्णो जी के लिए, कटरा के लिए। आप लोग इधर का मौसम देखो, और मतलब यश बैंक के पास में ही है होटल। हाय करो सब लोग, सभी लोग रेडी हैं एकदम। अब हमारी जो कार है कल की लिए, अब वो आने वाली है, तो उस कार पर बैठते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं शिव कोड़ी के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस, अपनी गाड़ी आ चुकी है तवेरा, और हम लोग के 7 लोग, इसलिए इसको बुक करना पड़ा। यहाँ पे इनोवा बुक नहीं कर सकते, उसमें बैठते हैं 6 लोग, और ड्राइवर को लगा के 7 लोग, ठीक है। अभी हम लोग किस कार में बैठते हैं और फिर निकलते हैं शिव कोड़ी के लिए। जोता वाली मैया की, अमरनाथ बाबा की, सभी देवताओं की, सभी माताओं की। Hey, let me take you. Non parlare affatto se non sai, non parlare affatto se non puoi. Venire levite come magia, sto così in alto già alla fine della pandemia. Sto così in alto grazie al 5 porre di Maria. Alto come il dito medio con la polizia. E non mi parlare se non parli di arte e di soldi. E non provare a fare il furbo con i tuoi discorsi. Bazza bazza corre. नौ देवी मंदिर शो की नीचे है, और गुफा वगैरह बताई जा रही है। तो अभी चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। आप सभी को भी माता रानी के दर्शन करवाते हैं।
तो चलिए चलते हैं। और यहाँ से मैंने ले लिया वो माता रानी के लिए प्रसाद, पुष्प ले लिए। अंदर अरे राम, जय हो, जय हो बालाजी सरकार की, जय हो। गाइस दर्शन हो गए नौ देवी माता जी, और गुफा वगैरह में वीडियो अलाउ नहीं होता है, बट हमने यहाँ कोशिश करके आप सभी को दर्शन करा दिए हैं। अब चलते हैं आगे दूसरे मंदिर या दूसरे कोई पॉइंट पे, ठीक है। Hey, let me take you. Stop playing me. Non parlare affatto se non sai. Non parlare affatto se non puoi. Venire levitate come magia. Sto così nato già alla fine della pandemia. Sto così nato grazie al cinque porre di Maria. Alto come il dito medio con la polizia. E non mi parlare se non parli di arte e di soldi. E non provare a fare il furbo con i tuoi discorsi. अच्छा अच्छा, ये देखो भैया लोग बनाते हैं चाट यहाँ पे। अब हम लोग चाट बनवा रहे हैं यहाँ अमरूद की। ये ऐसे रेड अमरूद रहता है ऐसे ही। न्यू ये कार खड़ी है, चाट बन रही है, चाट को खाते हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रियासी में। यहाँ पे दो महीने पहले आतंकवादियों ने हमला किया था एक बस पे। यहाँ पे यात्रियों पर 22 लोग की मृत्यु हो गई थी। तो वही जगह है, यहाँ पे यहीं पे गोली चली थी, हैं बस यहीं पे गिरी थी। तो बस इसी जगह पे गिरी थी, ठीक है। फिलहाल बस अभी यहाँ से उठा ली गई है। तो यहाँ से अब हम लोग शिवपुरी जा रहे थे, तो हम लोग ने देख लिया, ठीक है, यहीं पे हमला हुआ था जो आतंकवादियों ने हमला किया था यात्रियों पे। और बस यहाँ से नीचे गिरी जाके थी, कटरा से आ रही थी और शिवपुरी के लिए जा रही थी। तो ये लोकेशन है, उधर कटरा है और इधर शिवपुरी है। तो गाइस अभी देख सकते हो आप लोग हम लोग कितनी ऊपर आ चुके हैं।
और यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है। तो गाइस अगर आप लोग प्राइवेट कार से आते हो तो एक रसीद करानी पड़ती है सिर्फ कोरी इंटर करने से पहले, जिसके 40 रुपए पड़ते हुए हैं। तो देखो आप लोग यहाँ पर लिखा भी है। तो गाइस अपने लोगों ने कार छोड़ दी है, कार चली गई पार्किंग में और अब हम लोग का यहाँ से ट्रैक हो जाता है स्टार्ट। और ये मान लीजिए 3.5 या 4 किलोमीटर का ट्रैक है और इसको हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज हम लोग को जम्बू भी निकलना है। और चल देखो सामने कितने बढ़िया नज़ारे हैं, चलो चलते हैं और एंटर करते हैं बार में। गाइस वेलकम है आपका शिवकोड़ी मंदिर में। तो ये है इनका एंटर द्वार और यहाँ से अभी हम लोग अंदर चलने वाले हैं अपनी जांच करा के। ये है चेक पोस्ट, सब चेक कराते हैं और फिर ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। गाइस आप लोग रजिस्ट्रेशन करा के इसके अंदर जा सकते हो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और यहाँ पे घोड़े भी मिल जाते हैं, पूरे घोड़े। और ये है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, यहाँ से हम लोग को रजिस्ट्रेशन नाम वगैरह जो भी लिखा जाएगा देखते हैं क्या क्या रहेगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर से रजिस्ट्रेशन करा लेना, ऐसी पर्ची बनेगी और एक लोगों की आईडी लगेगी, आधार कार्ड एक लोगों को लगा देना, जो भी 10-15 लोग बन जाएगी, सारी एंट्री हो जाएगी। ठीक इसी से सारे लोग चढ़ जाते हैं और फिर अब इस गेट से हम लोग एंट्री कर सकेंगे। चलो अब एंट्री करते हैं गेट के अंदर और फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं। गाइस 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है और पहले हम लोग को मिल जाती है यहाँ पे एक नदी और यहाँ पे भी लिखा है देखो 3.5 किलोमीटर टोटल, ठीक है, अंजलिकुंड शिव गंगा 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, करते हैं इसको कंप्लीट। हाँ चल भैया, लड़के भोलेनाथ के नाम, हर हर गंगे हर हर गंगे। और जो अपने साथ में रिवर बह रही है इसको बोलते हैं दूध गंगा। और अभी 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है जैसे कि मैंने दिखाया था आप सभी को। बाकी यहाँ घोड़े भी चलते हैं और सिक्योरिटी भी है अपनी इंडियन आर्मी। और ट्रैक तो इतना खड़ा नहीं लग रहा है, मतलब चढ़ाई नहीं दिख रही है अभी, तो अभी सिंपल एकदम, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस जांच क्या है, जींस पहन ली मैंने तो जींस में प्रॉब्लम आ रही है, एकदम जींस चिकनी चिकनी है और चिपकी चिपकी सी है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी रजिस्ट्रेशन फ्री होता कोई पैसे नहीं। बाकी चलो जय भोले की बोलते बोलते पहुँचते हैं ऊपर, हर हर महादेव। गाइस यहाँ पे आपको प्रसाद की लिस्ट मिल जाती है 100 ग्राम 75 रुपए का और 250 ग्राम 175 रुपए का, शुद्ध एकदम रहेगा। क्यों अम्बानी जी, हमें लगता है भैया अम्बानी जी थोड़े तबीयत डाउन ऐसी हो गई है। गाड़ी में पीछे सबसे पीछे बैठा था, अच्छा। उलझन हो रही थी यार। हाँ यार उलझन तो मुझे भी हो रही थी, अब घोड़ा मेरे पीछे आ रहा है और जगह जगह पर ये टीन है जिसमें यात्री ना रेस्ट कर सकता है। बाकी ढोल वोल भी है, अम्बानी जी नाच के दिखा थोड़ा ढोल के रंग। चलो अगर लौटते टाइम नाचेंगे तो नाचेंगे, लेकिन चलो लौटते समय नाचेंगे। हाँ मान जी लौट के आएंगे, दर्शन कर लो, इनाम भी देंगे, भी नाचेंगे, भी डांस करेंगे। चलो अबे भी ढोल बजा के, अबे भी ढोल बजा के। अभी दोस्तों हमने घोड़ा वाले अंकल जी से पूछा कि कितना चार्ज है आपका घोड़े का, तो 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है तो उसका 500 रुपये चार्ज है, 250 जाने का 250 आने का घोड़े से। वैसे भाई 3.5 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, बट कुछ लोग चल नहीं सकते हैं उनके लिए ठीक है। बाकी अगर आप एक न्यू युवा हो ठीक है तो आप लोग पैदल इतना चल सकते हो, 3.5 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर 18 साल की उम्र में अगर 7 किलोमीटर की चढ़ाई ना कर सके तो क्या कर सकते हो, बाबा के दर्शन करना बहुत जरूरी है, पैदल ही दर्शन करना। और अपने सामने देखो इंडियन आर्मी जा रही है, यानी सिक्योरिटी हमें हर जगह मिल रही है अपनी अमरनाथ जी में और वैष्णो देवी में और अभी शिवकोड़ी में, ठीक है। तो सिक्योरिटी इंडियन आर्मी की हर जगह मिलेगी, तो एक सल्यूट उनके लिए भी मिलता है, बनता है जय हिंद
वंदे मातरम। रही दूध गंगा जहाँ पे आप लोग स्नान भी कर सकते हो। देखो जैसे कि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं और भाई साहब वाकई में अगर यहाँ स्नान कर लिया तो ले तो मजा आ जाएगा। फोटो लोटो तो मिलेंगे तो अब यहाँ पे एक मैप भी लगा है, अब मैप आपको दिखाते हैं। ट्रैक ऑफ श्री शिवकोरी टाइम को साथ मिलेगा। भेद बता